इज इक्वल टू जीरो, ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, यहाँ से आपके पास उसकी वैल्यू निकल रही है, जी की वैल्यू निकल रही है, तो वो जी की वैल्यू आप निकाल लें। यहाँ से इसकी वैल्यू निकल रही है, जी की वैल्यू निकल रही है, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इन दोनों में से टू जी को कॉमन ले, तो क्या रह जाएगा, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से जी की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, टू जी पी माइनस क्यू को यहीं पे रहने दें, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर को आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो क्यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू क्या निकल आएगी, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टू पी माइनस क्यू। अब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म बन रही है, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसे आप लिख सकते हो क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी। इन दोनों में से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन लो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, दैट इक्वेशन विल बिकम जी इक्वल टू क्यू प्लस पी माइनस अपॉन टू, ठीक है। आपने किया क्या, इन दोनों में से आपने 2g को कॉमन लिया, यहाँ से 2g कॉमन लेने के बाद p माइनस क्यू बच, ठीक है। अब इस टर्म को आपने यहीं पे रहने दिया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले गए, तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, इसे आप लिख सकते हो a माइनस b a प्लस b, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड का, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में p माइनस q है, न्यूमिनेटर में आपके पास q प्लस p q माइनस p है, तो q माइनस p बनाने के लिए डिनोमिनेटर में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है। तो q माइनस p आ गया, q माइनस p से कैंसिल, देन आंसर विल बिकम g इज इक्वल टू माइनस q प्लस p डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो g की वैल्यू आई है इससे आप अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुट इन टू, जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, क्यू स्क्वायर टू जी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो आप 2 इक्वेशन में पुट करें, क्यू स्क्वायर टू जी क्यू की वैल्यू पुट करें, क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये टू इस टू से क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू खुद की सात क्यू मल्टीप्लाई, ये टू इस टू से क्या हो जाएगा कैंसिल, देन इक्वेशन विल बिकम क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ से किसकी वैल्यू बेटा निकल रही है, सी की वैल्यू निकल रही है, तो आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लें तो इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल लें, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर
क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस टू। एफ की वैल्यू क्या आई है? माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर। और सी की वैल्यू क्या आई है? पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। टू टू से कैंसिल, माइनस पी प्लस क्यू एक्स, टू टू से कैंसिल, प्लस माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब जो आर एलसीएम आ रहा है, आर एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर माइनस आर पी प्लस क्यू एक्स, आर आर से कैंसिल, माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो आर है माइनस आर पी प्लस क्यू एक्स एल एक्स। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले, आर स्क्वायर प्लस पी क्यू एंड देन प्लस पी क्यू आर एज इट इज इक्वल टू जीरो। ये जो आर है मल्टीप्लाई हो गई, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप चेक करें, आपको यही इक्वेशन ऑफ सर्कल प्रूफ भी करनी है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए दोबारा मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने ली थी, फर्स्ट वन ये वाला पॉइंट पुट किया, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ये तीनों पॉइंट पुट किए तो तीन इक्वेशन आपके पास आ गए। ठीक है, उन तीनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व किया, पहले फर्स्ट टू को सेपरेट किया, जी की वैल्यू निकाली, फिर जी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर टू में पुट की, वहाँ से एफ की वैल्यू सी की वैल्यू निकाली, और फिर जी एफ सी की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर थ्री में पुट की और वहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? एफ की वैल्यू आ गई। जी एफ सी की वैल्यू मैंने सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट की और वहाँ से इसे सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ रही है वही इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने प्रूफ भी कर ली। ये तो था आपको क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट आपने जो सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर जो एट है। एट में आपने ये प्रूफ करना है कि शो दैट वहाँ पे बेटा फोर पॉइंट्स आपको गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर एट आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट इज योर असाइनमेंट। अब इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे फोर पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, फर्स्ट वन पॉइंट है थ्री फोर, सेकेंड है माइनस वन माइनस फोर, थर्ड है माइनस वन टू एंड देन थ्री एंड माइनस एट। आपने पहला जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल ही लिख ली है। फर्स्ट वन आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स की जगह थ्री और वाई की जगह फोर। फिर आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है, एक्स की जगह माइनस वन वाई की जगह माइनस फोर, सेकेंड इक्वेशन। फिर आपने ये वाला पॉइंट पुट करना, अब तीन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी तो उन तीनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने करना क्या है कि आपने उन तीनों वैल्यूज में से मतलब जी एफ सी की जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह जी एफ सी की वैल्यूज निकालनी है और वो जी एफ सी की वैल्यू आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करनी है तो वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया। उस इक्वेशन ऑफ सर्कल में फिर आप ये फोर्थ पॉइंट पुट करो। अब फोर्थ पॉइंट पुट करने से अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल सेटिस्फाई कर जाती है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, आंसर जीरो आ जाता है जो आपके पास x की जगह अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो आपके पास आएगी उसमें x की जगह अगर आप थ्री पुट करो y की जगह माइनस सिक्स पुट करो और इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए तो आप कह दोगे कि ये आपके पास चारों पॉइंट्स क्या है कोसाइक्लिक है मीन्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक ही सर्कल पे लाइक है। नो कम टू वर्ड क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर टेन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल
माइनस 4x और 2xy किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 6y और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 23। तो यहाँ से g की वैल्यू x x से कैंसिल, g की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस 2। y y से कैंसिल, f की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? माइनस 3 और c किसके इक्वल है? माइनस 2। अब आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो सेंटर है वो किसके इक्वल होता है? माइनस g एंड माइनस f के। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? माइनस g, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस f, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ गए? 2 एंड 3। इसका ये मतलब है ये जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है इसका सेंटर कहाँ पे है? 2 एंड 3 पे है। ठीक है, अब 2 एंड 3 पे इसका सेंटर क्या है? 2 एंड 3। अब आपको पता है जिस सर्कल के आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका भी सेंटर कहाँ पे होगा? 2 एंड 3, क्योंकि इसका सेंटर सेम उसी सेंटर पे है जिस सर्कल की इक्वेशन ये आपको गिवन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में आपने करना क्या है? अब सर्कल का आपको सेंटर भी पता लग गया और सर्कल पे एक पॉइंट भी आपके पास आ गया, वो पॉइंट क्या है? माइनस 2 एंड माइनस 4। अब इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं? यस वी कैन फाइंड, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस के। तो डिस्टेंस टू पॉइंट का कैसे लेते हो? माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है,
स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू के स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस के स्क्वायर sin स्क्वायर। इसका स्क्वायर लिया उसका स्क्वायर लिया फिर इन दोनों को ऐड किया तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर plus y स्क्वायर इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले लें cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। दिस वन इज द आइडेंटिटी sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज द आइडेंटिटी व्हिच इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या बन गई x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जो भी सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन में होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्योंकि यहां पे रेडियस क्या है k है इसके आगे जगह क्या आ गया k स्क्वायर। तो ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन बन गई जिसका सेंटर कहां पे है ओरिजिन पे है h और k की वैल्यू 0 है और रेडियस क्या है r। ठीक है बेटा यहां तो तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना